यस, अभी हमने सेंटेंस जो है वो पढ़ा। सेंटेंस क्या होते हैं, हमने ग्रुप फर्स्ट में जो पढ़ा था समीर इज अ ग्रेट सिंगर ऑल द एप्पल्स, तो ये जो थे कुछ सेंटेंस ऐसे थे जिसका मीनिंग नहीं होता, तो वो क्या सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। ग्रुप वर्ड का ग्रुप तो बन रहा है पर मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इनकम्प्लीट मीनिंग जो होता है ना, उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। कुछ और चीज़ें जो हमें पॉइंट से रिमेंबर रखने के, वी शुड रिमेंबर थ्री थिंग्स अबाउट अ सेंटेंस। द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। आपको क्या होना चाहिए, जो वर्ड्स है वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। कैसे, सब्जेक्ट प्लस, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है किसी भी सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर। इस तरह से करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। सेकंड, द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और ए सेंटेंस मस्ट एंड विथ अ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। कोई भी पंक्चुएशन मार्क जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, जो भी जितने भी होते हैं वो सारे मार्क्स इसमें लगे होने चाहिए। एक्सरसाइज फर्स्ट, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इनको मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारा ऑर्डर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ लिख रखा लॉसेस, टेम्पर, शी, इजीली। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो हमने यहाँ शी लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे एडवर्ब, है ना। वर्ब से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब या एडवर्ब आता है, तो एडवर्ब क्या है हमारा इसमें, इजीली। फिर वर्ब है लॉसेस, फिर क्या आएगा, हर टेम्पर। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना, वो उसका टेम्पर जो है इजीली लॉसेस कर देती है ना, जो आपा है वो जल्दी से खो देती है। ये किससे एंड होगा, फुल स्टॉप से। हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर लिखा एडवर्ब, फिर लिखा वर्ब, फिर लिखा ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे मिस्ड हिज फ्लाइट अनिल, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, यस अनिल, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट अनिल। फिर हमारी क्या दे रखा है, वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब दोनों ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे मिस्ड, फिर हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट हिज फ्लाइट। और क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और पंक्चुएशन मार्क, और करेक्ट ऑर्डर में जमा होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, ही बॉर्न इन 1980 वॉज, अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, कर्ता ही हो गया वह। फिर हेल्पिंग वर्ब है इसमें, यस वॉज। फिर वर्ब बॉर्न, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट इन 1980। ओके, डिस्कस लेट्स प्लान ऑफ एक्शन अवर, अब हम क्या करेंगे, यस, है ना, सबसे पहले लेट्स, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, यस वर्ब आएगी, क्या आएगा, डिस्कस। डिस्कस मतलब डिस्कस करना होता है ना, डिस्कस, फिर अवर प्लान ऑफ एक्शन, फॉल्स फ्रॉम द रेन क्लाउड। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, रेन, उसके बाद हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वर्ब फॉल्स, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट से पहले क्या, फ्रॉम द क्लाउड। ओके, सिस्टर माय नेवर ड्रिंक्स कॉफी, सबसे पहले क्या आएगा, माय सिस्टर, सब्जेक्ट क्या है, माय सिस्टर।
फिर नेवर, देन क्या आ जाएगा वर्ब ड्रिंक कॉफी। और फुल स्टॉप, टीचर नेवर कम्स अवर लेट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अवर टीचर, फिर नेवर कम्स लेट, ठीक है। परचेस्ड वासु हैज अ कार न्यू, तो सबसे पहले नाम आएगा वासु, है ना, सब्जेक्ट आ गया। वासु के बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। फिर वर्ब क्या है, परचेस्ड। अ न्यू कार, ओके, ऑब्जेक्ट आ गया। शिप्स आर ऑफ द बिल्ट स्टील, है ना। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, द शिप्स, हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब हम वर्ब लिखेंगे बिल्ट ऑफ स्टील, ओके। देखो बिल सिनेमा टू टुमारो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब बिल, फिर वर्ब गो, कहाँ जाएंगे टू सिनेमा, कब जाएंगे टुमारो, ओके। ये हमने कर दिया, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब हो तो वो, और फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको सेंटेंसेस नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी बुक में ही कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।